मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे और हम सब भी एकदम बढ़िया हैं। तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। तो आज है साथ ही साथ करवा चौथ। तो जितने भी मेरी सुहागन बहनें हैं उनको हैप्पी करवा चौथ, करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो मैं जा रही हूँ अभी अपनी गौशाला में अपनी गाय को घास डालने के लिए और थोड़ा सा घास काटूँगी और उसके बाद जो है मैं लहसुन वगैरह की बिजाई करूँगी। तो चलिए अभी चलती हूँ गौशाला के लिए। और देखिए भाई, मैंने कुछ इस तरह से मेहंदी लगाई है। तो मुझे ज़्यादा अच्छी मेहंदी तो लगाना नहीं आती है, लेकिन फिर भी ना मैंने फ़ोन में देख के थोड़ी सी लगा ली है और थोड़ा इस तरफ बनाया मैंने थोड़ा सा डिजाइन। अभी अपनी गाय वगैरह को घास डाल के और कल सुबह तक उनको घास काट के रख के पानी पिला के और अभी तो ना मेरी हिम्मत इन पौड़ियों से चल के जाने की हो गई मेरी है। ऐसा ही इच्छा हो रही है कि मैं यहीं पर बैठ जाऊँ। और साथ ही साथ आज है करवा चौथ, तो मैंने इस वाले हाथ पे लगाई है मेहंदी, लेकिन इस वाले हाथ पर नहीं लगाई है। तो सीधे हाथ से ना मैं उल्टे हाथ पर लगा देती हूँ, लेकिन उल्टे हाथ से सीधे हाथ पर मेहंदी लगाना ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अभी स्नान वगैरह करके इस वाले हाथ पर लगाऊंगी। तो अभी मैं लगा रही हूँ इस वाले हाथ पर मेहंदी, लेकिन ना मुझे इस उल्टे हाथ से ना इस वाले हाथ पर मेहंदी लगाना नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी लगा लूँगी जैसे तैसे होगा। लेकिन मेहंदी लगाने का क्या फ़ायदा, अभी ना हमें खेतों में जाना है गेहूँ बोने के लिए। तो मेरे साहब जी का फ़ोन आया था तो वो आ चुके हैं खेतों में। तो अभी ना मुझे जाना पड़ेगा गेहूँ बोने के लिए खेतों में। तो वहाँ पर 2-3 खेतों की सफाई भी है करने के लिए। और अर्जुन तो ना जैसे ही अर्जुन के पापा का फ़ोन आया वो यहाँ से भाग कर नीचे चला गया। तो मैं भी बस आधे घंटे बाद निकलूँगी यहाँ से, जब तक मेरी मेहंदी सूख जाएगी। तो ये तो अच्छा होता अगर मैंने शाम को ही लगा ली होती। अब देखते हैं कितनी देर लगेगी इसको सूखने में। तो बस थोड़ी सी लगाऊंगी मैं इस वाले हाथ में, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना। और इस हाथ में मेहंदी है और दोनों साइड है मेहंदी, लेकिन इस हाथ में मेहंदी नहीं है। तो मैंने सोचा इसमें मैं अभी लगा लेती हूँ। थोड़ा सा तो डिजाइन अच्छा बन गया है, लेकिन पीछे वाली साइड ना यहाँ पर नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं, लाल ही होनी चाहिए हाथ। और टाइम ना अभी दिन के 3 बजने वाले हैं। तो हमारे तो ना गांव में बस काम ही चले रहते हैं। तो सुबह गई थी मैं अपनी गाय वगैरह की करने के लिए और उसके बाद मैंने घास वगैरह निकाला और 1 बजे पहुंची हूँ घर में। तो अभी स्नान वगैरह किया, थोड़ी देर आराम किया और अभी ना दोबारा से जाना पड़ेगा खेतों में। क्या करें, अब काम है करना तो पड़ेगा। तो चलिए अभी फटाफट लगा लेती हूँ मैं मेहंदी। वैसे तो ना मैं सीधे हाथ पर ही मेहंदी लगाती हूँ, लेकिन आज सोचा मैंने कि मैं यहाँ पर भी लगा ही लेती हूँ। तो बस वही इतनी लगाऊंगी मैं, क्योंकि ज़्यादा लगाऊंगी तो सूख नहीं पाएगी। और भैया आप सब बताओ कि आपके यहाँ पर करवा चौथ कैसे बन रही है। तो दोस्तों बार बार तो ना लोग जाते हैं बड़े बड़े मंदिरों में घूमने के लिए, दर्शन के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पर ना काम ही ज़्यादा हो जाते हैं। पर कोई बात नहीं, होता है सभी। तो चलिए जी, अभी मुझे लेके जाना है जौ का बीज। तो अभी डाल रही हूँ मैं जौ का बीज अपने खेतों में लेके जाने के लिए। तो देखिए भाई, कुछ इतने जौ रखे हैं हमने बीज के लिए, तो इनको लेके जाना है मुझे फटाफट खेतों में। तो अभी ना मेरी गाय भी आ चुकी है चर के अच्छे से और दो बो रही ऊपर। इनको ना यहीं पर पीना होता है दोनों को पानी नाले के पास, और मंगलू तो गौशाला में ही पीती है बेचारी पानी।
इधर को नहीं जाना बच्चे। तो चलिए जी, हमारे यहाँ पर चांद निकल आया है और मैं भी एकदम सज धज के जो है पूरी तरह तैयार हो चुकी हूँ। तो अभी मुझे करनी है थोड़ी सी पूजा और उसके बाद फिर चंद्रमा को अर्घ देना है। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ आपको चंदा मामा। देखिए भाई, हमारे यहाँ पर अभी टाइम 8 बजे हैं और चंदा मामा जो है आ चुके हैं। तो ये फायदा होता है पहाड़ों में रहने का, कब के निकल चुके हैं चंदा मामा। तो चलिए जी, हो गई है पूजा की तैयारी और पूजा भी हो ही चुकी है यहाँ वाली। तो अभी चलते हैं चंद्रमा की पूजा करने के लिए। चाची आरती हो रही। परखा लाइट बल्ल बखाइयो अर्जुन, पारला बल्ल बखाइयो। धरती रख, धरती रख, Thank you.
तो चलिए जी, कुछ इस तरह से था हमारा करवा चौथ का दिन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबने भी अच्छे से करवा चौथ बनाई होगी। तो चलिए भाई, इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड, और खाते हैं जल्दी से खाना क्योंकि मेरे साहब जी को और अर्जुन को लगी है बहुत ही ज़्यादा जोरों की भूख, और मुझे ना अभी कपड़े भी चेंज करने हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक हैप्पी करवा चौथ और बाय।